हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अफवाह प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? अफवाह प्रिंसिपल। अच्छा, ये अफवाह प्रिंसिपल जो है ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या है भाई, एक टॉपिक है। कौन सा चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और अफवाह प्रिंसिपल जो है हमें कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में हमें मदद करता है। तो आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझे ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको दिक्कत ना हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको दिक्कत ना हो। अफवाह प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अच्छा, ये अफवाह प्रिंसिपल जो है ये क्यों आया भाई? अफवाह प्रिंसिपल, सबसे पहले तो हम ये समझ ले कि अफवाह का मतलब क्या है। क्या अफवाह किसी साइंटिस्ट का नाम था? क्या अफवाह जो नाम पड़ा टॉपिक का अफवाह प्रिंसिपल, ये क्या किसी साइंटिस्ट के बेसिस पे है? नहीं, अफवाह प्रिंसिपल जो है ये जर्मन वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड से? जर्मन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, किसी का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन यानी संरचना। अफवाह शब्द जो है सीधा से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये आ सकता है, अब एक नंबर में आपको, कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल वैज्ञानिक के नाम पे बेस्ड नहीं है। तो आंसर अब ऑप्शन रहेगा अफवाह, तो आप क्या दे दोगे? अफवाह प्रिंसिपल जो है वो साइंटिस्ट के बेस पे नाम नहीं है, क्योंकि यह एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम कंस्ट्रक्शन होता है, जिसका मतलब कंस्ट्रक्शन होता है यानी कि संरचना। अच्छा, अफवाह प्रिंसिपल क्यों आया भाई? अफवाह प्रिंसिपल देखिए, अफवाह प्रिंसिपल, अच्छा ये जो अफवाह प्रिंसिपल है, हमें अफवाह प्रिंसिपल हमें बताता है कि हमारा जो एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर चारों ओर जो हमारा ऑर्बिट होता है, ऑर्बिटल जो होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, पहले कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा, कौन सा सबसेल में जाएगा, कौन सा ऑर्बिट में जाएगा, कौन सा सेल में जाएगा। ओके, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे हो रहे होंगे कि ऑर्बिट बोल रहे हैं, ऑर्बिटल बोल रहे हैं, सेल बोल रहे हैं, सबसेल बोल रहे हैं, भाई ये है क्या? देखो भाई, ऑर्बिट और सेल एक ही बात है, उसी प्रकार ऑर्बिटल्स और सबसेल एक ही बात है। अब यहाँ पे ऑर्बिट हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल्स क्या है भाई? ऑर्बिटल्स नाम तो हम कभी नहीं देखे थे। तो ऑर्बिटल नाम ये जो है 3D में जब बात होती है तो वो ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो ऑर्बिटल में मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3D की कहानी आ गई है। अच्छा, 3D की कहानी क्यों आई है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम इसे समझते हैं। नील बोर वैज्ञानिक था, नील बोर और रदरफोर्ड, नील बोर और रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर पार्टिकल के रूप में मूव करता था। मैंने क्या कहा? नील बोर और रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो होता था वो एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर पार्टिकल यानी कण के रूप में मूव करता था। लेकिन जब डी ब्रोए और हिजनबर्ग, कौन वैज्ञानिक? डी ब्रोए और हिजनबर्ग, जब ये दो वैज्ञानिक आया और कह दिया कि भाई एटम के न्यूक्लियस के ओर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के रूप में नहीं मूव कर रहा है, वो एक वेव के रूप में मूव कर रहा है। किसके रूप में? वेव के रूप में। तो ये सारा कॉन्सेप्ट पीछे वाला जो है वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, क्योंकि पार्टिकल था तो हम कह सकते थे भाई हमें कन्फर्म हो जाएगा कि ये कौन सा ऑर्बिट में है, हम बता दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे वेव है, क्या वेव को आपने कभी देखा है? वेव दिखता नहीं है। तो इसी के दौरान जब डी ब्रोए और हिजनबर्ग ने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर वेव के रूप में घूमता है, इसी के एक्सपेरिमेंट के दौरान एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था इरविन श्रोडिंगर। क्या नाम था? इरविन श्रोडिंगर। उसने क्या किया, इस वेव इलेक्ट्रॉन का जो है इक्वेशन भी दे दिया, इक्वेशन समीकरण भी दे दिया, भाई इस तरह इसका समीकरण बनेगा। तो अब क्या हुआ, इसी को टॉपिक लेकर के हम लोग अफवाह प्रिंसिपल हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑर्बिटल और सबसेल, यहाँ पे कहीं ना कहीं 3D की बात हो रही है, क्योंकि वेव जो है, वेव क्या होगा, वो 3D में होगा, 2D में अब बात नहीं रही, अब ये 3D में कहानी चली गई। तो अब इतना बात समझ में आई, यहाँ पे ऑर्बिटल क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3D की कहानी जब होने लगी तो यहाँ ऑर्बिट का नाम ऑर्बिटल दे दिया गया है और यानी कि सेल का नाम सबसेल दे दिया गया है। ओके, अब हम यहाँ पे समझते हैं अफवाह प्रिंसिपल जो है ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पे आधारित है। किस पे आधारित है? अफवाह प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स यानी सबसेल, ऑर्बिटल्स कहिए या फिर सबसेल्स एक ही बात है, यानी न्यूक्लियस के चारों जो पाथ होता है KLMN यानी SPDF, ये जो होता है, ये जो पाथ होता है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर, उसे ही ऑर्बिटल्स कहेंगे। और ये 3D में है। कौन सा
वे में है, 3D में है। ओके तो क्योंकि ये वेव है तो 3D में ही होगा। ओके तो ये किस पे बेस है भाई? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल की अलग अलग, ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी, अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग साइज, अलग अलग एनर्जी। मैंने क्या कहा? सभी ऑर्बिटल का अलग अलग साइज होगा भाई और अलग अलग एनर्जी। ये थोड़ा सा समझिए, जैसे आप देखिए एक क्या भाई एटम, मान लीजिए एक एटम है, ये न्यूक्लियस एटम का, इसके चारों ओर क्या है, ये सबसेल है यानी ऑर्बिटल है। क्या है भाई? सबसेल यानी ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट जो होगा एस, दूसरा और सेकंड होगा पी, थर्ड होगा डी, इसी प्रकार फोर्थ होगा एफ, इसी प्रकार क्या है, ये ऑर्बिटल है। यही ऑर्बिटल, ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर जो ये जो है, फर्स्ट में जो एस रहता है इसको हम कहीं ना कहीं के नाम से भी जानते थे, सेकंड वाले को एल के नाम से, थर्ड वाले को एम के नाम से और फोर्थ वाले को एन के नाम से हम लोग जानते थे। ये तो एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल है, सबकी अलग अलग साइज, मैंने क्या कहा, सबकी अलग अलग साइज होगी और सबकी अलग अलग एनर्जी होगी। ओके तो नील बोर और रदरफोर्ड का कहना था कि न्यूक्लियस के जो नजदीक जो रहता है ऑर्बिट, न्यूक्लियस के नजदीक जो ऑर्बिट रहता है उसका एनर्जी और साइज कम होता है। तो इसका एस का एनर्जी और साइज कम होगा, फिर उससे ज्यादा होगा पी का एनर्जी और साइज, उसी प्रकार उससे ज्यादा होगा डी का एनर्जी और साइज, और उससे ज्यादा होगा एफ का एनर्जी और साइज। ये किसका कहना था? नील बोर और रदरफोर्ड का। और यही प्लस यही प्रिंसिपल अभी भी चल रहा है, ये प्रिंसिपल नहीं खत्म हुआ है। हाँ, वो प्रिंसिपल खत्म हुआ था कि रदरफोर्ड और नील बोर कह रहा था कि ये पार्टिकल ग्रुप में मूव कर रहा था, तो इसके पीछे यही कहानी था। ओके तो अब एक नंबर आप समझ गए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स यानी अलग अलग ऑर्बिटल की अलग अलग एनर्जी होगी। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाइज लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ पे है, इन्होंने ये जो कहा है फिजिक्स का बहुत ही कॉमन, बोल लीजिए एकदम फंडामेंटल आपका ये यहाँ पे रूल है कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना हो सके वो चाहता है कि हम लो एनर्जी में रहे। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम जितना हो सके हम लो ऑर्बिट में रहे। लो ऑर्बिट में रहेंगे तो लो एनर्जी होगा, लो साइज होगा उसका, कम साइज होगा। तो सेकंड यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम जो है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में रहे। ठीक, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल सेकंड का भी आप समझ गए। चलिए थर्ड जो है वो है इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होगा, इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा एसपीडीएफ में, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में, ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल, एनर्जी के आरोही क्रम में इसे ऑर्बिटल में हम लोग सजाएंगे, फिलिंग करेंगे यानी भरेंगे। ओके इतना बात समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए एसपीडीएफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो चाहेगा जितना हो सके कि वो एस इलेक्ट्रॉन में, एस ऑर्बिटल के में ही मूव करे। इससे भी ज्यादा नहीं होगा तो पी में जाएगा, उससे भी ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा धक्का इसे देगा तो डी में जाएगा, उससे भी नहीं होगा सबसे लास्ट में जाएगा तो एफ में जाएगा। लेकिन वो चाहेगा कि वो हम एस में रहे, नहीं तो पी में रहे, नहीं तो डी में रहे। ओके फिर लास्ट में ज्यादा होगा तो ये एफ में जाएगा। ओके यानी ये थर्ड नंबर का पॉइंट का ये मतलब था। अच्छा अब हम कैसे पहचानेंगे भाई कि कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी कम है? क्या इसके लिए कोई रूल है? जी हाँ, इसके लिए रूल है। वो रूल दिया था, ये देखिए ये रूल है हमारा एन प्लस एन रूल। कौन सा रूल? एन प्लस एल रूल। अच्छा यहाँ पे एन क्या है भाई, एन और एल क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे इस वीडियो में, थोड़ा सा समझ लेंगे। चलिए एन और एल रूल, एन और एल रूल के अनुसार हम लोग क्या पता करेंगे? एनर्जी पता करेंगे और साइज पता करेंगे। किसका? तो ऑर्बिटल का। किसका भाई? ऑर्बिटल का। ऑर्बिटल का ही तो यहाँ पे बात होगा। किसका भाई? ऑर्बिटल यानी सबसेल का। ओके तो अब एन प्लस एल रूल में यहाँ पे एन क्या है, एल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। एन जो होगा हमारा वो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा नंबर होगा भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारा क्वांटम नंबर का एक भाग है। जैसे क्वांटम नंबर में होता था एन एल एम एस, यानी एन को बोलते थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल को बोलते थे एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसी प्रकार एम को बोलते थे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और
एस को बोलते थे स्पिन क्वांटम नंबर। फिलहाल हम एन और एल के बारे में ही थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ज्यादा मतलब उसके बारे में ज्यादा नहीं सर्च करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एन जो है, एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? जीरो नहीं होगा। हाँ, वन हो सकता है, एन बराबर टू भी हो सकता है, उसी प्रकार थ्री भी हो सकता है, इसी प्रकार एन बराबर फोर भी हो सकता है, इसी प्रकार ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। यानी एन बराबर क्या कहां तक हो सकता है हमारा? इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। और उसके बाद जीरो के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ओके, अब हम लोग यहां पर थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं एन बराबर का जो वन हो, यानी कि ये के ऑर्बिट में है। कौन सा ऑर्बिट में? के ऑर्बिट में। उसी प्रकार अगर एन बराबर टू है तो हम लोग समझते थे कि ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एल ऑर्बिट में है। उसी प्रकार एन बराबर थ्री है तो हम समझते थे ये एम ऑर्बिट में है। अगर फोर है तो हम लोग समझते थे कि ये एन ऑर्बिट में है। बात समझ में आई? यानी ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, ये आप समझ लीजिए। तो ये क्या है भाई? ये हमारा ऑर्बिट है। के एल एम एन क्या है भाई? ये हमारा ऑर्बिट है, यानी सेल, जिसे हम सेल कहते हैं, एस एच डबल ई एल, सेल। ऑर्बिट कह लीजिए या सेल कह दीजिए। ओके, तो यहां पर देखिए, आप यहां पर थोड़ा सा समझिएगा, जितना प्रिंसिपल नंबर जितना ज्यादा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा, उसका साइज भी, ऑर्बिटल का साइज भी उतना ज्यादा। तो आप यहां पर आप कह सकते हैं कि नीचे आने पर एनर्जी क्या होगा भाई? इंक्रीजेज होगा, बढ़ेगा। एनर्जी इंक्रीजेज और साइज भी क्या होगा भाई? साइज भी बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं साइज भी क्या होगा भाई? इंक्रीजेज। साइज भी इसका क्या होगा भाई? बढ़ेगा। तो इतना हम कह सकते हैं। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप समझ गए हैं कि एन बराबर वन टू थ्री फोर हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो छुड़ा करके कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। अब हम समझते हैं एल। एल क्या? एल, चलिए एल हम मारते हैं टॉपिक में। एल, एल को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल या एंगुलर कह लीजिए, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम है यहां पे, ओके, यहां पे एम है लास्ट में, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अच्छा, ये क्या हमें जानकारी देता है भाई? ये हमें जानकारी, इसके बारे में ज्यादा हम डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, बस इतना आप जान लीजिए, एल बराबर जो होगा हमारा वो जीरो होगा, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है। ओके, अगर एल बराबर जीरो है, यानी कि ये एस ऑर्बिटल में होगा। कौन सा ऑर्बिटल में? एस ऑर्बिटल में। अगर एल बराबर जीरो हो, अगर एल बराबर वन हो, तो यानी कि ये पी ऑर्बिटल में। कौन सा ऑर्बिटल में? पी। यदि हमारा एल बराबर टू हो तो ये डी ऑर्बिटल में। कौन सा ऑर्बिटल में? डी ऑर्बिटल में। यानी अगर एल बराबर थ्री हो तो ये आपका होगा एफ ऑर्बिटल में, और ये फोर हो तो ये जी ऑर्बिटल में। फिलहाल हमें जी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उतना तत्व का भी अभी मतलब खोज नहीं हुआ है कि यहां तक हम लोग पहुंचेंगे। बस फिर हम लोग यहां तक पहुंचेंगे, एफ तक। ओके, तो ये हो चुका है। अब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि ये हमें शेप के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? शेप के बारे में। हालांकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जानकारी देता था, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में देता था जानकारी, और साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में देता था जानकारी। जितना ज्यादा एन का मान होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान होगा, उतना ज्यादा उसका एनर्जी होगा, उतना ज्यादा उसका साइज होगा। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था। ओके, ये देखिए, ये मैंने पढ़ा था, जितना नीचे जाएगा यानी एन का मान बढ़ रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, और साइज भी इंक्रीज होगा, साइज भी उसका आकार भी बढ़ेगा। ओके, यही हम लोग जाने थे। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको साइज, इसमें शेप का पता करता है। इसमें क्या चलता है पता? शेप का, क्या क्या शेप का पता चलेगा वो आप यहां थोड़ा सा समझ लीजिए। यदि आपका एल बराबर जीरो यानी एस में है, तो ये आपका स्फेरिकल होगा, यानी वृत्त के रूप में। अगर ये आपका एल बराबर वन हो तो पी में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा, यानी इसका जो आकार होगा वो डंबल के रूप में होगा, डंबल के रूप में, जिससे आप लोग बॉडी बनाते हैं। उसी प्रकार यदि एल बराबर टू है तो इसका मतलब ये डी ऑर्बिटल में है, तो इसका जो होगा आकार वो डबल डंबल होगा, यानी दो को आप बना दीजिए इस प्रकार,
तो ये आपका डबल डम्बल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर थ्री है तो ये एफ ऑर्बिटल में होगा, तो इसका जो शेप होगा वो एट फोल्ड स्ट्रक्चर होगा। बस इतना ही काफी समझने के लिए। तो इसमें अभी आपको ज्यादा ये कुछ नहीं याद रखना है, इतना बस आपको याद रखना है यहाँ पे एल बराबर जीरो हो तो कौन सा ऑर्बिटल में है एस, एल बराबर वन हो तो कौन सा ऑर्बिटल में है पी, एस बराबर टू है तो कौन सा ऑर्बिटल में है डी, एस बराबर थ्री है तो कौन सा ऑर्बिटल में है एफ। इसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना एटम के बारे में अभी खोज नहीं हुआ। चलिए इतना आप समझ गए हैं एन और एल के बारे में। एन क्या है, एन क्या है भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे ये भी नाम से जानते हैं। तो चलिए क्या हम क्या बोले इसको एन प्लस एल के रूप से रूल से हम क्या पता करेंगे किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो आइए हम पहले क्या करते हैं एक एक करके हम ऑर्बिटल लेते हैं और उससे हम लोग समझते हैं। चलिए अब हम लोग ऑर्बिटल लेते हैं, जैसे में 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल है जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर जो होता है पाथ वही ऑर्बिटल है। 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, उसी प्रकार आपका हो सकता है 4p ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, ओके। चलिए सॉरी यहां पे आप क्या कीजिए 4s कर दीजिए, 4s ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल, उसके बाद 5s ऑर्बिटल, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल 5s ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे इसका n प्लस l निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे इस प्रकार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि एक एक करके हम लोग निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं भाई n प्लस l, n प्लस l, ओके। अच्छा यहां पे n क्या है, n यहां पे क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, ये जो आपका s p d f जो भी आपको दिखता है इसमें जो कोफिशियंट के रूप में होता है, ये देखिए कोफिशियंट के रूप में है यहां पे, गुणांक के रूप में है ना जी, यही आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यही क्या हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहां पे n क्या हो जाएगा वन वन। अच्छा s s बराबर s बराबर s s का क्या होता है, s का मान क्या होता है अभी आपको हम बताए थे। s का मान देखिए, देखिए s का मान l l के लिए क्या होता है, l के लिए जीरो होता है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो। तो ये यानी वन प्लस जीरो वन ही हो जाएगा, ओके। उसी प्रकार यहां पे n बराबर टू है, टू प्लस s के मान कितना होता है, ये देखिए जीरो, s का मान जीरो, तो यहां पर दे दिए जीरो। चलिए तो टू प्लस जीरो टू हो जाएगा, ओके। उसी प्रकार यहां पे n बराबर टू दिया हुआ है। अच्छा p का मान कितना होता है, p का मान वन होता है, ये देखिए p का मान l के लिए वन होता है, ओके। तो यहां पर हो जाएगा वन, तो टू प्लस वन कितना हो जाता है भाई थ्री। उसी प्रकार यहां पे हो जाएगा n बराबर थ्री प्लस जीरो, तो ये आपका हो जाएगा थ्री। उसी प्रकार थ्री n बराबर थ्री है और p बराबर कितना होगा, p बराबर ये देखिए p बराबर वन, तो हम वन दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर। उसी प्रकार यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा आपका थ्री, थ्री प्लस d बराबर कितना होता है, d का मान l के लिए, d में l का मान कितना होता है यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान कितना होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान टू होता है, तो यहां पे हो जाएगा टू। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका फाइव। उसी प्रकार दो को और हम लोग निकाल लेते हैं फोर एस के लिए, फोर एस के लिए कितना हो जाएगा भाई फोर प्लस एन का मान यहाँ पे फोर है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका गुणांक के रूप में क्या है फोर, यही आपका हो जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका कोफिशियंट के रूप में रहता है और ऑर्बिटल के कोफिशियंट के रूप में। तो फोर प्लस एस के लिए कितना होता है एल का मान जीरो, तो ये आपका फोर ही हो जाएगा। उसी प्रकार फाइव प्लस एस का मान जीरो हो जाता है, तो ये आपका फाइव ही हो जाएगा, ओके। अब हम लोग जानते हैं अब इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे सजाएंगे। देखिए हमने क्या कहा कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि वो लो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में भरे, लो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में जाए, लो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में उसका फिलिंग हो, इलेक्ट्रॉन यही चाहेगा है ना। चलिए यहां देखिए 1s, 1s का मान कितना है भाई, n प्लस l कितना है इसका वन, वन है यानी इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी ये 1s सबसे आगे आएगा है ना, सबसे पहले इसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये सबसे छोटा है, उसके बाद आइए 2s, 2s की 2s का n प्लस एन कितना है टू, तो सबसे छोटा यही है, इसके बाद सबसे छोटा टू ही है ना, ये सब तो थ्री फोर फाइव हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 2s। उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन 2s में, इसके बाद यहां आप देखिए 3 किसका है भाई 2p का। अच्छा यहां आप देखिए 3 ये भी मान है 3 ये भी मान है 3। अब यहां पे कंफ्यूज थोड़ा सा हम यहां पे हमें हो सकता है
कि अगर हमारा मान, हमारा n प्लस एल अगर सेम आ जाए, हमने क्या कहा, अगर हमारा n प्लस एल सेम आ जाए तो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार हम लोग क्या करेंगे भाई, उसे हम लोग फिलिंग करेंगे। जिसका क्वांटम नंबर ज्यादा यानी जिसका n का मान ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा यानी वो लास्ट में भरा जाएगा। जिसका n का मान कम, उसकी एनर्जी कम यानी वो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। ओके, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एनर्जी जिसका ज्यादा रहेगा भाई, उसका साइज भी ज्यादा होगा, उसका शेप भी ज्यादा होगा और उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में जाएगा। तो यहां देखिए एन का मान कितना है भाई, टू, और इसमें एन का मान थ्री, तो पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें जाएगा, इसकी एनर्जी कम है ना। यहां देखिए एन का मान टू है, यहां एन का मान थ्री है, तो पहले इसमें जाएगा, तो पहले जाएगा टू पी में, फिर थ्री इसमें। ये कब कब आपको अप्लाई करना है, जब आपका एन प्लस एल समान आ जाए, यहां भी थ्री है एन प्लस एल, यहां भी थ्री है, तो आपको किसके अनुसार आपको डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, तो आपको एन के अनुसार डिसाइड करना है। यहां देखिए एन का मान टू है, यहां पे थ्री है, तो पहले इसमें जाएगा ना, लो एनर्जी में, पहले तो इलेक्ट्रॉन यही चाहता है कि हम लो एनर्जी में रहे, तो लो एनर्जी, तो अब ये रहा, उसके बाद ये हो गया। चलिए उसी प्रकार आप देखते हैं यहां पे फोर फोर, देखिए ये भी फोर है, ये भी फोर है, कंफ्यूज है यहां पर भी। तो अब हम क्या करेंगे, जब n प्लस एल का मान सेम आ जाए तो हम किसके अनुसार भाई डिसाइड करते हैं, किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरेंगे ऑर्बिटल में, तो हम भरेंगे n के अनुसार, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा और उसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जिसका n का मान कम यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम, तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। तो यहां देखिए थ्री पी फोर एस, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे फोर है, तो एन का मान सबसे ज्यादा किसमें, इसमें है, तो इसमें बाद में भरा जाएगा, पहले इसमें भरा जाएगा, तो हो जाएगा आपका थ्री पी फिर फोर एस, फिर किसमें भाई, फोर एस में। ओके, ये हो चुका है। अब यहां देखिए, अब यहां आते हैं, ये देखिए थ्री डी फाइव एस, इसमें भी फाइव है एन प्लस एल का मान, इसमें भी एन प्लस एल का मान फाइव है, तो अब पहले किसमें जाएगा, जब n प्लस एल समान हो जाए तो हम किसके अनुसार डिसाइड करते हैं भाई, n के अनुसार यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार। तो यहां देखिए किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है, इसका ज्यादा है, फाइव है, इसका थ्री है, इसका कम है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा यानी थ्री डी में पहले जाएगा भाई, फिर फाइव एस में जाएगा। बात क्लियर हुई, एकदम सिंपल सी बात है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। जब एन और एल का मान समान हो जाए तो हमें डिसाइड किसके अनुसार करना है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल में जाएगा, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अनुसार डिसाइड करेंगे यानी एन के अनुसार डिसाइड करेंगे। और एन कहाँ रहता है आप जानते ही है, किसी भी ऑर्बिटल के आगे में जो कोएफिशिएंट के रूप में होता है, गुणांक के रूप में होता है, उसे ही हम एन कहते हैं। ओके, अच्छा क्या हम इस प्रकार हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लेट हो जाएगा, हम समझ तो गए भाई, लेकिन एग्जाम में इतना हम सोचेंगे, इतना n प्लस एन निकालेंगे तो मेरा टाइम तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो क्या इसका कोई और आसान विधि है? जी हाँ, इसका आसान विधि है, तो आइए उसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए आइए कॉपी में हम लोग इसे हम देखते हैं, उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे, देखिएगा सेम टू सेम मिलेगा। यहाँ आप देखिएगा, आप अच्छी तरह समझिएगा, बहुत ईजी है, थोड़ा सा इसका खाली माइंड में रखिएगा, वन एस टू एस 2p, 3s, 3p, 3d, फिर आएगा हमारे पास 4s के पास, फिर 4p के पास, फिर 4d, 4f, उसी प्रकार 5s, 5p, 5d, ये सब क्या है भाई, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो रहता है वही है। उसी प्रकार 6s, 6p, 6d, 6f इसी तरह भरा जाएगा। उसी प्रकार 7s, 7p इसी प्रकार जाएगा इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इतना में ही मेरा काम बन जाएगा। तो आइए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसमें सबसे पहले 1s में, उसके बाद 2s में, इसके बाद 2s में, इसके बाद 2p में, फिर 3s में। ये देखिए तीर का निशान हम लगा रहे हैं, यानी पहले इसमें भरा जाएगा फिर नीचे आएगा, उसी प्रकार फिर 3p और फिर 4s में, 3p और फिर 4s में, उसी प्रकार फिर इसमें, कौन पहले किसमें जाएगा, फिर 3d में,
फिर 4P में, फिर 5S में, उसी प्रकार अब इसमें देखिए तीर का निशान दे रहे हैं, इसके मतलब पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ओके। उसी प्रकार आप इस और बैटल में एकदम अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा, ओके। पहले किस में जाएगा, बन एस में, बन एस में गया, फुल हो गया, अब फिर ये ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आया, ओके। फिर 2S में गया, फिर ये ऊपर की ओर आएगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा, फिर ये ऊपर की ओर आएगा, फिर 3P में, फिर 4S में, फिर यहां ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, फिर 3D में, फिर 4P में, फिर 5S में, फिर ये क्या होगा, फिर ऊपर की ओर आएगा, डॉट 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 में हम आपको दिखा दे रहे हैं, फिर ऊपर की ओर आया, फिर किस में जाएगा, 4D में, 5P में, 6S में, इसी प्रकार फिर ये ऊपर आएगा, इसी तरह ये चलता रहेगा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया, इसी तरह क्या होगा भाई, चलता रहेगा। अब आप इससे कंपेयर कीजिए जो हम N+L रूल से निकाले थे, क्या ये इसमें मैच खाता है कि नहीं, मैच नहीं खाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए यहां आप देखिए, पहले किस में गया भाई, यहां पे ये रहा, ये तो हम निकाल के समझ गए थे, पहले बन में इसमें गया, तो ये देखिए पहले आपका बन इसमें ही तो गया है, देखिए बन इसमें गया, फिर 2S में, फिर 2S में, 2S में भरा था हमारा, फिर 2P में, 2P में, फिर 3S में, ये देखिए 2P में गया था, उसके बाद फिर 3S में, तो 2P 3S, फिर 3P 4S, 3P 4S, ओके 3P 4S है ना, 3P 4S हो चुका था। उसी प्रकार 3D इसी तरह चलता रहेगा, उसी प्रकार फिर देखिए 4S फिर 3D में, कौन सा गया, 4S 3D में, तो 4S 4S होगा, 4S के बाद फिर वापस आया, फिर 3D में गया, मिल रहा है ना जी। चलिए उसी प्रकार 5S फिर कहां जाएगा, 5S में, ये देखिए 4P के बाद क्या होता है, 5S, ओके। तो इस तरह ये भरा जाएगा, तो 4P हमने नहीं लिया, अगर हम 4P लेते तो पहले 4P में जाता, उसके बाद किस में जाता भाई, 5S में, ओके। तो आप इतना आप समझ लीजिए, बस इतना आपको समझाने के लिए हम किए थे यहाँ पे N+L रूल किस प्रकार हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हम इसे इजिली इस तरह हम N+L रूल ना निकाल करके हम इसको अप्लाई करेंगे, और इसके अनुसार क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन का सबसेल में यानी ऑर्बिटल में फिलिंग करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया हो, तो आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हो भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाई, तो मिलते हैं हैंड्स रूल में जो कि अगला लेक्चर रहेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां भी आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।